समता स्वतंत्रता। सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। ऐसे राष्ट्र का निर्माण। को हार्दिक स्वागत। हमारे साथ यहाँ पर TISS की जो इंस्टीट्यूट है वहाँ की विद्यार्थिनी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। हम उनसे जानना चाहेंगे कि इस TISS में अभी जो प्रोटेस्ट चल रहा है पिछले 9 दिनों से, वो किस बारे में है और वो अपनी राय यहाँ पर रखें। मैं दीपशिखा कुमारी, मैं झारखंड से हूँ और अभी जो हमारा ये 9वां दिन है प्रोटेस्ट का, ये प्रोटेस्ट हमारा GYPMS के अंतर्गत जो स्टूडेंट आते हैं STSC OBC, उनको फी यहाँ पे फी एग्जेम्पशन था, लेकिन अभी 16, 18, 17, 19 के बैच के बच्चों को फ़ी पेमेंट के लिए बोला गया। तो उन बच्चों को जो पहले से हमें सुविधाएं देती आए हैं TISS ने, उन सुविधाओं को वापस ना ले और उन्हें वापस करें। तो अभी जो अभी तक 9वें दिन में हम लोगों को सिर्फ हम लोगों ने 3 बार बात की एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में, और 3ों बार में हमारे पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि 16, 18 और 17, 19 के लिए STSC स्टूडेंट को वो जो सुविधाएं देने की बात कर रहे हैं वो एक्चुअली हमें पहले ही लीगल तौर पे हमें मिलना चाहिए। क्योंकि जब हम मैं अपने पर्सनल ये कहूँ तो जब मुझे ऑफ़र लेटर मिला था तो उस समय मेरे ऑफ़र लेटर में साफ साफ लिखा हुआ था कि अगर आप GYPMS के अंतर्गत आते हैं तो आपको सिर्फ 4500 रुपीज़ पे करने हैं, उसके अलावा किसी तरह का और कोई फ़ी नहीं देना है। तो इस तरह अगर पहले से ही आप अपने प्रोस्पेक्टस में लिख रहे हैं, ऑफर लेटर में लिख रहे हैं, तो फिर उसको दोबारा स्टूडेंट से बाद में एडमिशन के बाद में मांगना, ये सरासर गलत है और एक तरह से स्टूडेंट के ऊपर हरासमेंट आप कर रहे हैं। एक तो हमारा इतने 9 दिनों से जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसमें हम लोग अपना एकेडमिक लॉस भी कर रहे हैं। तो अभी एडमिनिस्ट्रेशन का ऐसा कोई रवैया नहीं दिख रहा है जिससे कि वो हमारी मांगों को पूरी कर सके। और अभी फ़िलहाल अभी जब हम ये बात कर रहे हैं उस समय हमारे GB की मीटिंग चल रही है जिसमें हम आगे की रणनीति तय कर रहे हैं। मेरा नाम अरुण है, मैं कलानी डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा से आता हूँ जो कि देश का सबसे बड़ा बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में माना जाता है। तो अभी मैं सेकेंड ईयर स्टूडेंट हूँ। तो जो भी इशू चल रहा है ये 21st से चल रहा है, तो हमारा कंसर्न है कि जो GY होल्डर है SC ST and OBC, OBC का जो NC है, तो उसको जो हम लोग एडमिशन लेने का टाइम में ये लोग नोटिफिकेशन दे थे कि आप लोग को पैसा भरना नहीं पड़ेगा, तो ये लोग एडमिशन जब हमारा फर्स्ट ईयर ख़त्म हुआ मेरा, तो जब हम लोग थर्ड सेमेस्टर जॉइन करने से पहले ये लोग नोटिफिकेशन लाते हैं कि अगर आप लोग पैसा नहीं भरोगे तो आपको हॉस्टल में अलाउ नहीं होगा, डाइनिंग हॉल में मेम्बरशिप नहीं मिलेगा। उसके बाद हम लोग सारे लोग इकट्ठा हुए, स्टूडेंट यूनियन की तरफ से कॉल दिया गया कि ये इनजस्टिस है कि जो भी एज पर द UGC डीम यूनिवर्सिटी के तहत जो भी गाइडलाइन है, जो भी इंस्टीट्यूशन का फीस स्ट्रक्चर वगैरह है, वो 7 दिन से पहले नोटिफिकेशन करना चाहिए, जो कि ये लोग नहीं किए इंस्टीट्यूशन का एडमिनिस्ट्रेशन। और आने के बाद जो भी पिछड़े जो पुअर सेक्शन से सोसाइटी SC ST OBC लोग आते हैं उनको पैसा मारने के इम्पोज कर रहे हैं। तो इसीलिए हमारा मानना ये है कि अगर आप लोग को पैसा मांगना था तो पहले मेंशन करना था, क्योंकि हम गरीब से आते हैं, हमारा खेती पिताजी फार्मर है, उच्च बैकग्राउंड से आते हैं। अगर आप लोग पहले से ही बताते, और इन लोग का जो एडमिशन लेना बहुत मुश्किल है, मेरे एरिया पे मैं पहला लोग हूँ जो यहाँ पे 30 में पढ़ने का अवसर मिला, वो भी बहुत स्ट्रगल करने के बाद। और यहाँ का जो एडमिशन प्रोसेस है ये बहुत डिफिकल्ट है। पहले तो हमको ऑल इंडिया नेशनल एंट्रेंस टेस्ट नेट एग्जाम बोल के वो है वो लिखना पड़ता है, उसके बाद वो भी बहुत डिस्क्रिमिनेटरी है, और उसके नेक्स्ट स्टेप होता है वाइवा वॉइस, वो भी बहुत डिस्क्रिमिनेटरी है। जो भी पिछले सेक्शन के जो बच्चे आते हैं वो बहुत डिफिकल्ट होता है, और ये लोग जो बैठे हुए लोग जो पैनल टीचर फैकल्टी लोग वो इंग्लिश को बहुत इंपॉर्टेंट देते हैं, लेकिन जो ब्राह्मणिकल एजुकेशन जो लोअर सेक्शन सोसाइटी को वो रीजनल लैंग्वेज में सिखा रहा है, लेकिन जो भी कॉम्पिटिशन लेवल पे जो ऑफिसर लेवल का एजुकेशन जो भी एग्जाम देने के बाद आता है तो ये लोग इंग्लिश का बात करते हैं। और ये लोग जानबूझ के जो SC ST OBC का जो बच्चे है और जो स्टेट एजुकेशन सिस्टम है वो इंग्लिश को प्रावधान नहीं दिया गया है, और उतना मेहनत करने के बाद हम लोग नेट एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, इंस्टीट्यूशन का जो ऑल इंडिया नेट नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट करते हैं वो क्वालिफाई करते हैं,
और जो क्वालिफाई करने के बाद भाई भाई भी क्वालिफाई करते हैं और एक बाद और एक रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई करते हैं। ये सारे जो बहुत स्ट्रगल के बाद हम लोग यहाँ पे आए हैं, बहुत कम लोग हैं, जैसे कि मेरा डिपार्टमेंट 25 स्टूडेंट है, उसमें दो ही ST हैं और दो ST है और एक OBC है। और हम लोग देखते हैं कि जो भी डिपार्टमेंट है उसमें प्रॉपर तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स है, जो अफर्मेटिव एक्शन है, वो भी ये ब्राह्मणी का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो शासन वर्ग है, ये लोग जानबूझ कर एफर्मेटिव एक्शन जो फिलअप करना चाहिए वो भी फिलअप नहीं कर रहे हैं। और ऊपर से जो भी डेफिसिट हो रहा है वो लोग वर्कशॉप सेमिनार ऑर्गेनाइज कर लो उन लोगों के लिए, उन लोगों का डेवलपमेंट के लिए, और जो भी डेफिसिट हो रहा है वो SC OBC को इम्पोज किया जा रहा है कि आप लोग को हम चैरिटी दिखा रहे हैं, आपको इधर उधर मांग के आप लोग को यू कैन से दैट हम लोग आप लोग का मदद कर रहे हैं, आप लोग नहीं समझ रहे हो, हमारे पास पैसा नहीं है इंस्टीट्यूशन। हमको एडमिनिस्ट्रेशन और स्टेट का बाइनरी दिखा के भटक मतलब एजुकेशन अधिकार से वंचित करने की कोशिश जारी है। ओके, तो ये थे हमारे साथ में अरुण जो कि ओडिशा से हैं, और हमारे साथ में यहाँ पे और एक विद्यार्थी मौजूद हैं। जी, मेरा नाम आशीर्वाद है, मैं महाराष्ट्र के नागपुर ज़िले से ही हूँ। तो मैं इस इशू के बारे में अरुण ने बहुत सी चीज़ें कवर कर ही ली है, मैं बस एक बताना चाहूँगा कि 2015 में GYPMS OBC NC जो स्टूडेंट थे उनका इसी तरह से फी वेवर बंद किया गया था, जिसमें फी वेवर में हॉस्टल के चार्जेस और डाइनिंग हॉल और हॉस्टल के चार्जेस जो वेव किए जाते थे गवर्नमेंट की तरफ से। तब से 2015 से अगर हम 2018 तक का OBC का एनरोलमेंट देखें तो कम से कम 9% तक OBC का एनरोलमेंट हो गया है, जो कि एक बहुत बड़ा एक काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन यहाँ बता सकता है कि लाइक एक TISS जैसे एक एलिट इंस्टीट्यूट में मार्जिनलाइज सेक्शन से जो भी बच्चे आते हैं उनका पढ़ना और उसके लिए रिजर्वेशन कितना ज़रूरी है, हम इस टोटल नंबर ऑफ फॉल से हम समझ सकते हैं। तो सर बता सकते हैं कि 2015 से ये जो स्कॉलरशिप का मामला है OBC के बारे में वो क्या है? TISS में दो OBC का जो इशू है वो एक स्टेट वाइज है। अगर हम महाराष्ट्र गवर्नमेंट का विद रिलेशन TISS के साथ देखें तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट से जो GYPMS मिलता है OBC बच्चे महाराष्ट्र के उनका बंद हो चुका है, बट जो बाकी स्टेट्स के बच्चे हैं उनको GYPMS मिलता है, बट महाराष्ट्र के बच्चों को 2015 से मिलता ही नहीं है। और 2015 से जो फी वेवर मिलता था, जो अभी SC ST बच्चों को मिलता है, जो फी वेवर यानी जिसमें डाइनिंग हॉल और हॉस्टल के चार्जेस आते हैं, वो भी 2015 से इंस्टीट्यूट ने बच्चों से लेना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से ये हमें एक फॉलोअप दिख रहा है। तो साथियों आप ये देख सकते हैं कि विद्यार्थियों का जो ओपिनियन आ रहा है वो ये कह रहे हैं कि 2015 से सबसे पहले OBC का जो स्कॉलरशिप है वो इन्होंने बंद कर दिया, जो डाइनिंग हॉल और जो हॉस्टल का जो खर्चा उन्हें स्कॉलरशिप से मिलता था वो धीरे धीरे 2015 से सबसे पहले OBC का बंद करा दिया है, उसके बाद में इस साल SC और ST का डाइनिंग हॉल का और हॉस्टल का जो खर्चा है वो खुद से वो उठाने को कह रहे हैं। तो जो फीस थी वो फीस स्ट्रक्चर 4,500 रुपये एक सेमेस्टर का होता था, लेकिन अभी वो बढ़ के 31,000 रुपये हो गया है, यानी लगभग उन्होंने 6 से 7 गुना फीस को बढ़ा दिया है और हर साल यही रवैया है। तो अभी हमारे साथ में एक विद्यार्थिनी मौजूद हैं जिनका नाम है मेरा नाम आरती है। ओके, और कहाँ से मैडम? मैं विदर्भा से हूँ, वर्धा से हूँ। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो हमारी लड़ाई है वो किसी एडमिन से या गवर्नमेंट से ब्राह्मणिकल सिस्टम से हमारी लड़ाई है, क्योंकि ये ब्राह्मणिकल सिस्टम हमेशा से चाहती है कि SC ST OBC के बहुजनों के बच्चों को पढ़ाई ना करने मिले। और अभी जो है स्टेट यूनिवर्सिटीज़ और जो बाकी स्कूल्स है गवर्नमेंट स्कूल्स है उनकी हालत ऐसे बिगाड़ दी है कि वहाँ पे पढ़ के भी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा क्लर्क बनेंगे, सिपाही बनेंगे, उससे ज़्यादा नहीं आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और ये ब्राह्मणिकल सिस्टम यही चाहती है कि बहुजन बच्चे सिर्फ उतना ही उनके लिए काम करते रहे, जो कास्ट सिस्टम है कास्ट सिस्टम से जो उनको उनके लिए जो काम दिए गए हैं वही काम करते रहे। तो अगर ऐसे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में टाटा इंस्टीट्यूट जैसे इंस्टीट्यूट्स में अगर ये बच्चे आना चाहते हैं तो ये सिस्टम उनके लिए दरवाजे बंद करना चाहती है, और ये लड़ाई हमारी जो है उसी के खिलाफ है। तो यहाँ पे इसी इंस्टीट्यूट का नहीं, देश भर में यही हाल है सभी जगह पे। ये सबसे पहले OBC के स्टूडेंट्स के ऊपर उन्होंने ट्राई करके देखा कि OBC के स्टूडेंट को चलो यहाँ से दरवाज़ा बंद कर देते हैं, और चुपचाप ये सब होते रहा। और जैसे OBC ये बहुत हेट्रोजीनियस कैटेगरी है,
वो यूनाइट नहीं हो पाती, वो भी उसका रीज़न भी कास्ट सिस्टम ही है और उसके वजह से वो लड़ भी नहीं पाती। तो इसलिए ओबीसी के साथ जब हुआ तो एक शांत माहौल रहा, और अब जब एससी एसटी के साथ हो रहा है तो उनमें कहीं ना कहीं एक अवेयरनेस है, उन अम्बेडकराइट आइडियोलॉजी का अवेयरनेस है, ठीक है। तो उसकी वजह से, वो अवेयरनेस की वजह से उनको समझ में आ गया कि ये ब्राह्मणिज्म नहीं चाहता है कि हम यहाँ पे रहे। तो अब सब यूनाइट हो गए हैं, बहुजन जब एक साथ आ गया है तो ये सिस्टम को एक धक्का पहुँच रहा है और उसकी वजह से हमें बहुत परेशान किया जा रहा है। ये लड़ाई हमें शांति से नहीं लड़नी दी जा रही है और हमें डराया जा रहा है बार बार कि रुक जाओ, ठीक है, अपना देखो, अपने आगे के जनरेशन के बारे में मत सोचो। ये बार 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 हमारे साथ हो रहा है, मैनेज करने की कोशिश कर। हमें मैनेज करने की कोशिश हो रही है, हमारे बीच में दरार डालने की कोशिश हो रही है। एक कास्ट सिस्टम जैसे ऑपरेट होती है, ब्राह्मणिज्म जैसे ऑपरेट होता है, वैसे ही हमारे बीच में भी ऑपरेट करने की कोशिश हो रही, डिवाइड एंड रूल खेला जा रहा है, ये सब हो रहा है। हम ये सब होने के भी बावजूद हम अभी तक यूनाइट है और हम यह लड़ाई आगे लड़ते रहेंगे। और ओबीसी के बारे में बोला जाए तो उसके अंदर जो मुस्लिम्स है, दलित मुस्लिम भी ओबीसी में आती है, ठीक है, और क्रिमिनल ट्राइब्स जो बोलते हैं हम, डीनोटिफाइड ट्राइब, नोमैडिक ट्राइब, वो भी ओबीसी के अंदर ही आती है। और उनकी उनकी जो एजुकेशन के परसेंटेज है बहुत कम है, बहुत ही कम है, क्योंकि उनके लिए अफर्मेटिव एक्शंस भी उनके लिए अफर्मेटिव एक्शंस भी उतने अच्छे से नहीं लागू किए गए हैं। तो उसके ऊपर से अगर आप उनको बोलेंगे 80,000 एक सेमेस्टर की 6 महीने की फ़ीस दो, उसका मतलब आप बोल रहे हो कि आप यहाँ पे मत आओ। और ये इंस्टीट्यूट जो है उनके ऊपर रिसर्च करना चाहती है। सबसे ज़्यादा यहाँ पे रिसर्च देखोगे तो आप नोमैडिक ट्राइब्स पे होते हैं और सबसे कम बच्चे यहाँ पे नोमैडिक ट्राइब्स के हैं। तो हम चाहते हैं कि वो बच्चे वैसे ही रहे ताकि हमारे लिए रिसर्च करने के लिए कुछ ना कुछ एरिया बचा रहे और हम पैसे कमाते रहे, बट वो एरिया जो है यहाँ वहाँ से होके अंदर ना जाए इस गेट से और ना पढ़े। तो बस मेरा तो इतना ही सवाल है कि कब तक ये बच्चों को रास्ते पे ही तुम बिठा के रखोगे, ये दरवाज़ा उनके लिए कब खुलेगा। बहुत बढ़िया, यहाँ पे आरती मैडम ने अपना व्यू रखते हुए उनकी जो पीड़ा है वो आज जो यहाँ पे भुगत रही हैं, उन्होंने हमारे सामने ये बात रखी कि बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ पर बैठे हुए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये सारे विद्यार्थी एससी एसटी ओबीसी से बिलोंग हैं और यहाँ पे उनकी मैनेजमेंट की मीटिंग चल रही है। टीआईएसएस मैनेजमेंट जो है वो उन्हें उनमें से किन चंद लोगों को लेकर मैनेज करने की कोशिश कर रहा है, पर ये लोग जो हैं, ये विद्यार्थी यूनाइटेड हैं, ये इनके बीच में कोई दरार बनने देना नहीं चाहते हैं। ये यूनाइट होने की वजह से मैनेजमेंट जो है इनमें कोई भी दरार नहीं डाल पा रहा है। तो साथियों, ये जो TISS है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस, जहाँ पे सोशल स्टडी करने के लिए, उच्च शिक्षा लेने के लिए भारत के हर एक गांव से, खेड़ों से विद्यार्थी, जो यहाँ पे कम फीस होती थी इसके लिए वो यहाँ पढ़ने आते थे, उनको अच्छे तरीके का जो शिक्षा मिलती थी वो शिक्षा लेने के लिए वो यहाँ पे आते थे। लेकिन इन्होंने षड्यंत्र करके सबसे पहले ओबीसी की स्कॉलरशिप बंद करवाई, उसके बाद में अभी एससी एसटी की जो स्कॉलरशिप है, उनका डाइनिंग हॉल का जो पैसा है और हॉस्टल का जो पैसा है उन्होंने बंद करवाया है। और फीस जो स्ट्रक्चर है वो 4,500 से लेके अभी उन्होंने 31,000 रुपये पर सेमेस्टर कर दिया है, मतलब 62,000 रुपये उनको एवरी ईयर उनको भरना होगा। इतना वो बच्चे एफर्ट नहीं कर पा रहे हैं। और कुछ बच्चे जो हैं रात में बहुत देर तक रो रहे थे कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है, अगर उनको ये स्कॉलरशिप अगर नहीं मिलती है तो उन्हें घर जाने के अलावा उनके पास कोई दूसरा चारा नहीं है। तो ये जो ब्राह्मणी व्यवस्था है ये चाहती है कि ये उच्च शिक्षा उन्हें ना मिल पाए। तो साथियों, ये था अब तक का स्टेटस रिपोर्ट TISS इंस्टीट्यूट के बाहर। मैं राकेश गायकवाड़, कैमरामैन विशाल ढिवरे के साथ, बने रहिए A1 TV चैनल। धन्यवाद। समता, स्वतंत्रता, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। ऐसे राष्ट्र का निर्माण।